गर्मियों का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लेकर आता है। इन बीमारियों से अगर थोड़ी सी भी सावधानी बरती जाए तो बचा जा सकता है। ये बीमारियां ज्यादातर गंभीर तो नहीं होती, लेकिन रोगियों को परेशान जरूर करती हैं। यहां तक कि कई रोगियों की सुंदरता पर भी ग्रहण लग सकता है। ज्यादा तेज धूप में चलने या खेलने से स्किन में कई तरह की एलर्जी हो जाती है। गर्मियों का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लेकर आता है। इन बीमारियों से अगर थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बचा जा सकता है। यहां बीमारियां ज्यादा गंभीर तो नहीं होती, लेकिन रोगी को परेशान जरूर कर देती हैं। यहां तक कि कई रोगियों की सुंदरता पर ये ग्रहण भी लगा देती हैं। ज्यादा तेज धूप में चलने या खेलने से स्किन की कई तरह की एलर्जी हो जाती है। सोलन के जाने माने चर्म रोग विशेषज्ञ ने बताया कि गर्मियों में बैक्टीरियल और फंगल दो तरह के इन्फेक्शन लोगों को होते हैं। ये अधिक पसीना आने से होता है। इसके अलावा ज्यादा धूप में रहने से सनबर्न हो जाता है। इन सब से बचने के लिए गर्मियों में हमें पसीना आने पर शरीर की सफाई रखनी चाहिए। नहाते वक्त ऐसे साबुन उपयोग में लाने चाहिए जो फंगस से सुरक्षा करता हो। इसी तरह हम मेडिकेटेड पाउडर भी उपयोग में ला सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा ही इसकी चपेट में आ रहा हो तो हमें तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। इस तरह से अभी गर्मी स्टार्ट हुई है, उसमें कई तरह की स्किन डिजीजेज जो हैं वो ज़्यादा मैनिफेस्ट करती हैं। उसमें से सबसे पहले कॉमन है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शंस, क्योंकि गर्मी की वजह से पसीना ज़्यादा आता है और ये जो कार्बो आपकी स्किन में जो इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादा कॉमन होने लगती हैं। और जनरली जो ग्राइन एरिया होता है, इंग्वाइनल एरिया होता है और जो थाइस के बीच में है, हमारे एक्जिला के बीच में, वहाँ बैक्टीरियल और दूसरी जो फंगल इन्फेक्शन है बहुत कॉमन हो जाती हैं। इसके अलावा तेज़ धूप होने की वजह से सन बर्न्स हो सकते हैं, और उसमें जिसको कि सोलर डर्मेटाइटिस कहते हैं, और फेस पे भी थोड़े बहुत जो इस तरह की एलर्जीज हैं वो ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सकती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि आपको फ्रीक्वेंटली, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको इस तरह की इन्फेक्शंस बार बार होती हैं, उसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि वो जो मरीज है वो डायबिटिक हो या किसी को कोई और इम्यून प्रॉब्लम हो, तो उनको तो ज़्यादा प्रॉब्लम गर्मियों में आ सकती है। लेकिन उसके अलावा एक नॉर्मल जो व्यक्ति है उसको भी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा इन्फेक्शन इस मौसम में हो सकती है। तो इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आपको जो अपने एरियाज हैं वो जो कि प्रोन होते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए, उनको फ्रीक्वेंटली वॉश करना चाहिए। दिन में 3-4 बार अपने जो पानी से साफ़ करना चाहिए। उसके अलावा एंटीसेप्टिक सोप्स वगैरह भी आते हैं और कुछ एंटी फंगल जो है पाउडर वगैरह भी आते हैं, और उस पर उसको छिड़क लेना चाहिए। और जिस व्यक्ति को ये बार बार होता है उसे एक डॉक्टर से सलाह भी लेनी चाहिए। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम। फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।